भगवान विष्णु द्वारा गया अनुसार को दिए गए वरदान के बाद से ही पितरों को मोक्ष के लिए गया धाम में पिंडदान की परंपरा चली आ रही है। ऐसी मान्यता है जो पितर अपने पितरों को तर्पण और पिंडदान करने के लिए गया में श्राद्ध करते हैं, उनके पितर तृप्त हो जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। विद्वानों का मानना है कि श्राद्ध पक्ष में पितरों के लिए तर्पण पूजन करने से पितृ ऋण खत्म हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। गया में पूर्वजों का श्राद्ध करने के बाद कोई श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन कुछ विद्वान आचार्य का मानना है कि गया श्राद्ध के बाद भी श्राद्ध किया जा सकता है। इस विषय पर अधिक जानकारी देते हुए गया मंत्रालय वैदिक पाठशाला के पंडित राजा आचार्य बताते हैं कि गया श्राद्ध के बाद श्रद्धालु अपने घर लौटने के क्रम में जो भी मंदिर तीर्थ स्थल आता है वहां पर दर्शन करें। गया श्राद्ध के उपरांत जब आप अपने घर लौटते हैं तो रास्ते में जो भी किसी देवता मंदिर तीर्थ स्थल आता है वहाँ पर दर्शन करना, अपने घर जा करके सभी बंधु बांधव को लोग को बुला करके घर में समाराधना करना, सत्यनारायण पूजा आदि कर्म करके सभी परिवार लोग को बुला करके उन्हें तीर्थ का वृत्तांत सुनाना, क्षेत्र की महिमा सुनाना, हम वहाँ गए क्या क्या किए नहीं किए क्या हुआ नहीं हुआ ये सारे विषय को वहाँ बताना। जब लोग आपसे प्रेरित होते हैं और वो भी अगर गया तीर्थ यात्रा करने आते हैं तो उनके यात्रा का भी फल आपको मिल जाता है। सभी लोगों को अपने घर में बुला करके उस दिन अन्नदान करना, भोजन कराना और फिर पितरों की तिथि जब जब आएगी उन तिथियों में भी पिंड प्रदान आदि कर्म करना, श्राद्धादि कर्म को निरंतर करते ही रहना है जब तक जीवन है तब तक, ऐसा कुछ संदर्भों में बताया गया है और ये कोई बहुत विशेष ये विषय नहीं है। आप पितरों श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, पितरों का आशीर्वाद उसमें मिलता है तो उन वस्त्रों को आप लेके जा सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, त्याज कर देना छोड़ देना ऐसा नहीं है कि वो कोई अंत्येष्टि कर्म या प्रेत कर्म का नहीं है जिस पर आपने किया कि उन वस्त्रों का त्याग कर देना चाहिए, वो वस्त्र का उपयोग आप कर सकते हैं, अन्यथा किसी गरीब को आप दे दें ताकि वो उसका उपयोग कर सके।